समीना है, गाजियाबाद से हूँ और मुझे जीभ का कैंसर हुआ है कि मेरी छादा हुआ था ये। मैंने सोचा वैसे ही हो गया ये, फिर मैंने उसको ऐसे करके मसाज दिया, वो बिखर गया एकदम खील की तरह, बिखरते बिखरते मुंगा फैल गया। फिर मेरे यहाँ पे गांठ बनी एक, वो इतनी सी थी पहले तो दर्द नहीं होता था उसमें ज़्यादा सा, फिर घर से चली गई यहाँ आ गई वो। फिर उसके बाद जो दर्द सा हुआ मुझे महसूस हुआ जीव में भी, थोड़ा सा खाने में दिक्कत हुई जैसे मिर्ची वगैरह लग जाती हैं, तो फिर मैंने चेकअप करवाया अपने, तो उन्होंने मेरा मांस लिया जीव में से, फिर वहाँ से रिपोर्ट में आया कि कैंसर। अरे ये सुनते बेहोश हो गए, चक्कर आ गया, बेहोश हो गई वहीं पे। फिर दिलासा भी दिया कि इसका तो कोई गुण नहीं है, जैसे लोग कहते हैं सब इलाज नहीं है, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान को जिसे भी होता है वो मर जाता है। और फिर भी मैंने हिम्मत करी, मैंने इलाज होएगा, जिंदगी तो बचेगी, नहीं है तो खत्म हो जाएगी। इनका डॉक्टर मनदीप का हमें किसी ने एड्रेस बताया था कि वो उनसे मिल लो, बहुत अच्छे सर्जन है, तब हम इनके पास आए तो इन्होंने जब सर्जरी करी, इसलिए उन्होंने बताया कि ठीक हो सकते हो आप ऑपरेशन करा। उन्होंने कहा था 7% चांस है हो जाएंगे आपसे, तो ठीक हो जाएंगे। हमारे चेकअप हुआ मेरा, फिर ऑपरेशन हुआ 16 जनवरी में। डॉक्टर मनदीप ने बताया मुझे ऑपरेशन के बारे में कि हम ऑपरेशन ऐसे करेंगे और इस तरह से करेंगे, आधी जीभ आपकी जाएगी और एक तरफ का आपका जबड़ा हटाया जाएगा, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने वो ही करा, एक साइड से जबड़ा हट गया और आधी जीभ कट गई बीच में से, उसके बाद जीभ बना के बना दी। बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब के पास मुझे पहुंचने पहुंचने में ही 15 दिन लग गए, मतलब पता करते 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 डॉक्टर साहब मंदिर का सही एड्रेस मिलने में ही 15 दिन लग गए। उसके बाद अगर और थोड़ा हम जल्दी आ जाते तो शायद मतलब जीभ बनाने की नौबत भी ना आती और ये जबड़ा भी ना निकलता। जब जिस टाइम पे छाला हुआ था ना, बहुत छोटा ऑपरेशन होता, अगर उसी वक्त हम पता करके फौरन भागदौड़ करते ना तो बहुत छोटा ऑपरेशन होता। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, 5 महीने के अंदर मैं बहुत सही भी हो गई, खाना पीना चलना फिरना। ऑपरेशन के बाद मैं अपने पैरों से चल के गई हूँ यहाँ से घर पे भी, बात करते हुए घूमते हुए, और खाना पीना अब बहुत मतलब के उम्मीद नहीं थी इतना हो गया, सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं इतना सही हो जाऊंगी यहाँ पे आके। ऑपरेशन हमारा जो सीके बिरला हॉस्पिटल है उसमें हुआ है गुड़गांव में, और डॉक्टर मनदीप ने ऑपरेशन करा है हमारा, और ये हॉस्पिटल गुड़गांव में है, सेक्टर 51 में हॉस्पिटल है, सीके बिरला हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, हर चीज में हर चीज की सुविधा बहुत बढ़िया। यहाँ पे 6 दिन रहे, 6 दिन में बोलने भी लगी, 6 दिन के अंदर बोलने भी लगी, चलने भी लगी, 6 दिन के अंदर अपने पैरों से गई, खुद चल के गाड़ी में बैठी है, घर भी अपने आप ही पैरों से गई चल के। ऑपरेशन के बाद सिर्फ ये है कि थोड़ी बहुत दवा चलती रहती है, क्योंकि खाना जो है नलकी से जाता है, मुंह नहीं चला सकते, एक महीना नलकी लगी तो उसके बाद लिक्विडिटी पी सकते हैं, खाली कोई किसी भी चीज का सूप बना के दे दो या जूस वगैरह दे दो, मतलब अंडे में दूध मिला के दे दो, समझे रे, उसी तरह से इसका खिला खाना पाना नलकी से चला, नलकी से चला। उसके बाद धसका उठता था बीच बीच में, तो बेटी मेरी वो रात भर उसको रोलती रहती, और फिर धीरे धीरे वो धसका खत्म हो गया, दवाई वगैरह दी और उसके बाद सिकाई चली है, एक महीना सिकाई चली है, सिकाई होने के बाद एकदम ठीक। और मेरे 5 बच्चे अब रोते थे रातों को, अब जाके खुश हुए कि मम्मी हमारे आ गई। 1 साल की बच्चों की पढ़ाई मारी गई,
इसकी वजह से मैं रात दिन इसके पीछे लगा रहा, तो बच्चे भी रोते रहे बेचारे, वो स्कूल कहाँ से जाते, और उस वजह से नाम भी कट गया। करीब मैं आपको 14 साल गुटखा खाती थी, मगर लुबक के, ये नहीं कि रेगुलर ही लुबक के खाती। शुरुआत मैं इसे गुटखे खाने के लिए मना करता था, दिल भर गुटखा खाती थी, उसकी वजह से ये हमें भी पता नहीं। गुटखा तो बहुत आदमी खाते हैं, लेकिन जिसको हो जाए तो फिर हो जाए, मेरे से चुपके चुपके खाती थी। अब मुझे मालूम नहीं था, अगर ये मेरे को बोल देती मुंह में छाला हुआ है ना मेरे, तो मैं जभी के जभी डॉक्टर साहब को दिखा देता। अब इसलिए डर के मारे मुझे बताया नहीं कि मेरे मुंह में छाला हो गया है, डर कभी कुछ कहे मेरे क्या कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसे उस टाइम पे इन्हें मुझे बताया नहीं, बाद में बताया। तभी मैंने तुरंत एकदम भागदौड़ करी, उसके बाद इलाज पकड़ में आ गया, ऑपरेशन कराया। फिर तू मत खाया कर, ये नुकसान दे जाएगा, वही बात हुई, वो गुटखा इसे नुकसान दे गया। अब इसने अपनी जान पे कैसे कैसे झेला है, उसकी सजा गुटखे खाने की, वो इसे मानो, क्योंकि हमने भी बहुत तड़पते हुए देखा। आज ऊपर वाले ने सुन ली तो ठीक है, तो बस यही कहना चाहेंगे कि गुटखा ना खाए। हम तो यही सलाह देंगे कि गुटखा कोई सा भी हो ना खाए। तंबाकू वगैरह होगा सबसे ज्यादा जानलेगा।